Subscribe my channel and press the bell icon. जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए के दरमियान जो है प्रैक्टिस टेस्ट मैच जो है वो स्टार्ट हुए हुए थे, जो कि अब इख्तलाफ पसीर को हुए। लेकिन इधर जो है इधर पाकिस्तान के जो बैट्समैन और बॉलर्स ने बहुत ही जबरदस्त और तगड़ी परफॉर्मेंस दी है ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ। और क्या ये सवाल एक उठा है इधर, यही परफॉर्मेंस जो है बाबर आजम, असद शफी और जो पाकिस्तानी जो बॉलर्स है वही सेम पोजीशन जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ भी जो है क्या ऐसे खेलने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, खैर ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप सबको बताने जा रहे हैं जो कि स्पोर्ट्स न्यूज है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच फर्स्ट टेस्ट 2019 जिसकी ड्रीम 11 आप सबको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, वीडियो को शुरू से लेके आपने एंड तक देखना है। और चैनल के ऊपर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो गाइस छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आप स्पोर्ट्स जर्नी की लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन के जरिए हासिल करने में कामयाब रहे। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन है या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के फैन है तो गाइस इस वीडियो के अंदर आपने उनके हवाले से प्यारा सा कॉमेंट बॉक्स के अंदर में जरूर लिखना है। असद शफी के हवाले से आपने जरूर कोई बात करनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सबकी क्या राय है असद शफी के मुताबिक। खैर बहरहाल आप सबको बता देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच होने जा रहा है 21 नवंबर को ये टेस्ट मैच शुरू होने जाएगा, जो कि आज 18 नवंबर है और 21 यानी दो दिन के बाद में ये मैच शुरू होगा। सुबह के 5 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पाकिस्तानी स्क्वाड के बारे में, जो कि कंफर्म स्क्वाड होगा और उसके अंदर में आबिद अली का नाम सरफहरिस्त है, असद शफी इस टीम का हिस्सा है, अजहर अली जो है कैप्टनसी करेंगे, उसके अलावा बाबर आजम है, हारिस सुहेल है, इफ्तिखार अहमद है, ओपनिंग के तौर के ऊपर में पाकिस्तान की चॉइसेस है इमामुल हक और शान मसूद, उसके अलावा काशिफ भट्टी को मौका दिया जाने वाला है, विकेट कीपर के फराइज जो है मोहम्मद रिजवान जो है तो अंजाम देंगे। उसके अलावा फास्ट बॉलर्स की अगर बात करें तो दोस्तों शाहीन अफरीदी, नसीब अब्बास शाह और उसके अलावा मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद मूसा ये पाकिस्तानी के जो प्लेयर्स हैं इस टीम के अंदर में शामिल है। ये सारे के सारे तो नहीं खेलेंगे लेकिन इनमें से जो है कंफर्म जो स्क्वाड है वो मैं आप सबको बता दिया है दोस्तों। लेकिन आप सबने अपनी जो लेवल है वो आप सबने कमेंट के अंदर में जरूर बता दिए, उस चीज का मैं इंतजार करूंगा। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी आप सबको ले चलते हैं और बता देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो है स्क्वाड क्या है। कैप्टन बैंक्रॉफ्ट, डेविड वॉर्नर, जॉय बर्न्स, स्टीव स्मिथ, मार्कस लेबुचन, माइकल निसार, ट्रेविस हेड, मैथ्यू वेन, टिम पेन जो है कैप्टनसी करेंगे, जॉश हेजलीवुड, मिचेल स्टार्क खेलेंगे, उसके अलावा नेथन लाइन और पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप है और बड़ी तगड़ी लाइनअप है। इनके अंदर में जो रीढ़ की हड्डी का काम करेंगे वो डेविड वॉर्नर करेंगे और उसके अलावा स्टीव स्मिथ, ये दो ऐसे प्लेयर हैं कि अगर पाकिस्तान की टीम इन दो प्लेयर्स को जो है जल्दी आउट कर देती है तो समझ ले कि ऑस्ट्रेलिया की आधी लाइनअप खत्म हो चुकी है और खाली जो है धक्का देना बाकी है। इस तरीके की सिचुएशन है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास में बैट्समैन तो है लेकिन इतनी ज्यादा इस वक्त जो है फॉर्म के अंदर में नहीं है। एरन फिश ने जो है T20 के अंदर में बहुत ही जबरदस्त किस्म की बैटिंग करी लेकिन एरन फिश टेस्ट सीरीज में तो नहीं खेल रहे। उसके अलावा मैं आप सबको बताना चलूं कि जो टेस्ट सीरीज का जिस तरीके से एशेज के अंदर में टेस्ट सीरीज हुई थी उसके अंदर में भी सिर्फ और सिर्फ दारोमदार बैटिंग का स्टीव स्मिथ के ऊपर में था और डेविड वॉर्नर के ऊपर था। डेविड वॉर्नर ने कंधे झुका दिए थे क्योंकि इंग्लैंड के बॉलर से बहुत ही जबरदस्त आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके डेविड वॉर्नर को तो पछाड़ के रखा हुआ था लेकिन स्टीव स्मिथ एक ऐसा प्लेयर था जिसको आउट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था एशेज के अंदर में। तो पाकिस्तानी बॉलर से यही उम्मीद करेंगे कि वो स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर को जितना जल्द से जल्द आउट करेंगे उसमें ही जो है पाकिस्तान टीम की भलाई है। साथ साथ जो है टीम पाकिस्तान को अपनी बैटिंग के ऊपर में फोकस करना पड़ेगा क्योंकि बैटिंग के अंदर में
पाकिस्तान का सारा दारो मदार होगा बाबर आजम के ऊपर में, असद शमी के ऊपर में, असद अली के ऊपर में। इस तरीके से अगर अच्छे प्लान लेके चलेंगे तो मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान जो है हराने में कामयाब होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान की पहला टेस्ट मैच अपने नाम करने में जरूर जो है कोशिश करेगा और जीतेगा भी। तो दोस्तों आप सबने भी कमेंट करके अपनी राय से हमें आगाह जरूर करना है, कमेंट करके आपने जरूर बताना है कि टीम पाकिस्तान को किस तरीके का और कोई प्लान है जो कि आप सबके लिए होगा तो जहन में, तो आप सबने कमेंट करके जरूर बताना है। गाइस आज के वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।